रागिनी, हाँ जी, किसी ऐसी चीज का नाम बताओ जिसका जो असर है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। शराब है? तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना है। यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की, सुनी सुनाई बातों में बड़ा विश्वास कर लेती हैं। ये नहीं कि सविता ताई से कंफर्म कर लो। What do you mean by सविता ताई से कंफर्म कर लो? लिखा हुआ है। ये नहीं कि सविता ताई से कंफर्म कर लो। वैसे शराब के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी एक्टिंग का असर जो है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। टीवी में आकर सब कलाकारों की परफॉर्मेंस जो होती है सुधर जाती है। आप मल्लिका शरावत को देख सकते हैं, एक्टिंग कर रही हैं, वो भी रियलिटी शो में। हालांकि मैं उनका बड़ा फैन हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मल्लिका जी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार हैं। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। सर, मेरा जितना मर्जी काटो, मैं बोलता जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो ये भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ एक दो राजाओं की लड़ाई दिखाई ना, टीवी वाले देखना जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई, इतना लंबा खींचते हैं। आजकल टेलीविजन सीरियल्स के जो नाम हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं, दिया और बाती। हम दिया और बाती मिल जाएं तो आग लगा देते हैं, और इन दोनों ने मिलकर वाकया ही में रेटिंग चार्ट को जो आग लगा के रखी है, जबरदस्त टीआरपी, इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। एक शो तो 5 साल से चल रहा है, लेकिन बनाने वाले अभी भी खुद कंफ्यूज हैं। वो अभी तक ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब तुम्हें नहीं पता तो हम लोग क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए भाई, बनाया आप लोगों ने, आपको पता होना चाहिए। मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़ा पसंद है। बाकी सारे शोज में आपने देखा होगा एक ही लड़की 3-3 बार डायलॉग बोलती है, क्या 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 वाला। तारक मेहता में जितने एक्टर्स हैं सबको बराबर डायलॉग्स मिलते हैं, एक एक्टर बोलता है क्या, बाकी के सारे पीछे पीछे बोलते हैं, वो भी क्या 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 सेम बोलते हैं। और पिछले एक एपिसोड में हमारे शैलेश जी को 2 लाइनें कम मिली थी, लेकिन उन्होंने आज कोटा पूरा कर लिया यहां पर 2 शेर सुना के। शैलेश जी, आजकल फिल्मों के सारे कलाकार टीवी पे नजर आ रहे हैं, और अच्छी बात है टीवी इंडस्ट्री के लिए। और आज की डेट में टीवी वाकई इतना बड़ा हो चुका है कि हर फिल्म का कलाकार जो है वो टीवी पे आना चाहता है। काफी सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आने की। मैं अपने शो की ज्यादा तारीफ कर ली, मेरे को थोड़ी ना शर्मिंदगी महसूस हो रही, मैं वापस जा रहा हूं। नाउ ओवर टू रागिनी, थैंक यू सो मच, मेरे लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप अगर आपका दिल करे तो। थैंक यू।